हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे इज़ द बिग डे जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, अलाहाबाद के लिए निकले थे। आज है क्लैट 2021। तो खाना खा लिया है, अब बज चुके हैं 12:10 और हमें निकलना होगा क्योंकि 2 बजे से एग्ज़ाम है, 1 बजे से मेरी रिपोर्टिंग है। और प्लान कुछ ऐसा है कि हम ओला बाइक करेंगे, उसके बाद क्योंकि ओला कैब अगर ले गए तो भाई साहब डेफिनेटली ट्रैफिक में तो फंसेंगे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक तो डेफिनेटली होगा। लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था भाई साहब, हालत ख़राब हो गई थी, कहाँ रह गई लिफ्ट। तो यहाँ से हम करेंगे ओला बाइक और निकलेंगे और पहुँच जाएंगे टाइम से, क्योंकि इतना टाइम तो है। मैप जहाँ तक बता रहे 20 मिनट की रास्ता है, वो बाइक से जाएंगे तो और जल्दी पहुँचेंगे, तो फिर ठीक है। और क्या चाहिए, चलो ग्राउंड फ्लोर। देखते हैं कितने बच्चे होते हैं, 200 के करीब तो बच्चे होंगे। हाँ, अगर प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा हो तो शायद कम होगा, 100 तो कम से कम होंगे, और 100 की भाई सब गाड़ी होंगे। भैया कितनी देर लगेगी पहुँचने में? ये बात तो है, साहब हम लोग कम से कम 1-2 किलोमीटर चल चुके हैं, कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगा, पागल हो गए भाई साहब। इन एग्ज़ाम कंडक्शन वालों को, इन लोगों को डिलीवर किया करनी है कि स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं आने जाने की। ना ही पेपर करा रहे हैं, और जाओ वैसी तैसी कराओ अपनी, कैसे भी जाओ। उन्हें क्या चेकिंग बैठा रखी है, और कोविड प्रोटोकॉल तो आपने देख ही ली क्या फॉलो करे जा रहे हैं। मतलब यहाँ भाई साहब चेकिंग है, वहाँ भाई साहब खाली बैठे हैं सब, कोई भी एक दूसरे से चिपक जाओ कोई मतलब नहीं किसी को। 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर हो जाएंगे हमें लगता है चलते चलते, और हाँ आगे क्रॉसिंग भी है शायद, इस वजह से हम लोग को टैक्सी यहाँ नहीं मिल रही है। ऐसे हर बार ही होता है, पिछले साल भी यही हुआ था, टैक्सी के नाम पर भाई साहब एक तो टैक्सियाँ मिलती नहीं हैं, वो जो खाली होती हैं
वो डबल पैसा मांगती हैं कि डबल पैसे तो तब जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे ये वो। और ये भाई सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके यहाँ ले आते हैं और भैया ट्रैफिक जैम कर देते हैं कि जो बाहर से बच्चे आए हों उनकी और बहन बच्चे और रहो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी फंसे रहो घंटों डले रहो भाई सब। तो हाँ जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम तो भैया ठीक था, ईजी भी था और शायद मॉडरेट कह सकते। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है, हो जाए तो ठीक, नहीं होगा तो फिर देखेंगे कुछ और, कब तक चलना पड़ेगा ऐसे ही। हाँ जी है प्रोसेस, मतलब ट्रेन आने वाली है, बैरियर बंद, चलो वो भी ठीक है। अपन एक काम करेंगे, बैरियर क्रॉस करते हैं, शायद उस तरह अपन को टैक्सी मिल जाएगी। तो भैया जैसे तैसे पहुँच तो पाए होटल, और पता है तुम्हें पावर कट था जब हम आए थे तो ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर था, हम भैया स्टेयर से आए, मेहनत का काम है भैया। चलो अभी तो पावर ऑन है, तो लिफ्ट पकड़ते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ खाने को लेते हैं क्योंकि 4 घंटे से बुक है भैया, और फिर अपन लोगों को निकलना भी है तो लंबा सफ़र है, तो बीच में तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और यहाँ से चेकआउट भी करना है जल्दी से, तो देखते हैं रेस्टोरेंट में क्या है। हमने फोन जब तक उठाया तब तक घुस थी, कितनी देर में भेज रहा हूँ। चलो भैया खाने का तो बोल दिया है, खाना आ जाएगा, पर अपन ऐसे चेकअप करेंगे क्योंकि 2-3 घंटे में अपनी ट्रेन है, 2-3 घंटे भी नहीं बल्कि 1 घंटे बाद ही ट्रेन है, अपन को टाइम भी पहुँचना पड़ेगा। और इन लोगों का बड़ी बेकार पॉलिसी है यार, 24 घंटे से 1 घंटा भी एक्स्ट्रा लोग जाओ ना पूरे दिन का पैसा काट लेते हैं। और यहाँ शुरू हो गई बारिश, इसे भाई साहब गलत टाइम पर बरसना होता है, इसे कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ है, इसे बरसना है तो बरसना है। और भाई साहब पानी भी गलत टाइम पे बरस रहा है, ये प्रयागराज जंक्शन है ना, प्रयागराज जंक्शन है, इसके बाद ये सबरी वाले यूनिवर्सिटी वाले, अच्छा हाँ प्रयाग जंक्शन है, प्रयागराज जंक्शन है वो प्रयाग जंक्शन है, और जो दारा वाले हैं ये आदमी है वो प्रयाग संगम भाग। अच्छा भाई साहब लिटरली बहुत तेज बारिश है,
ये पता नहीं किसकी ट्रेन आ गई, ये अपनी तो नहीं है। मैं भैया इन ट्रेन से सिर्फ जीनो तक आया हूँ और लिटरली पूरा पीक है भाई साहब, पूरा पता नहीं क्या ही है। ट्रेन आने में तो टाइम है, तो मैंने सोचा चलो तुम लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ का क्या चक्कर चल रहा है। कोई मार्क्स नहीं पहने भाई साहब पूरे स्टेशन पे, कोई भी मार्क्स नहीं पहने, या तो उनके पास है नहीं या इन्हें मिल नहीं रहा, और या इन्हें पहनना नहीं है। जो लोग भूल रहे हैं कि देश में पैंडमिक फैला हुआ है। तो चलो भैया जर्नी तो ख़त्म हुई, हम लोग आ गए अपने स्टेशन पर। अब यहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे और सीधे घर को, और मस्त खा पी के सोएंगे, फिर कल शुरू करेंगे कुछ, क्योंकि उसके बाद एलेट भी है, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं कौन सी टैक्सी मिलती है। एक तो रोयल इस टाइम पे ना रात के 3 बज चुके हैं, घर पहुँचते पहुँचते 4 बज जाएंगे, और यहाँ के टैक्सी के दाम जो है ना, जो रेट्स हैं वो डबल से ट्रिपल हो गए होंगे। चलो करते हैं नेगोशिएशन, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म 1 पे आ गए, यहाँ से एंट्रेंस गेट है, यही मिलेंगे हम लोग को टैक्सी वाले। बोर है भैया, मैं वहाँ जाना है, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी है, कॉलोनी है रहा है, उसके अंदर जाना है भाई। हेलो भाई, कहाँ जाना है? आप कहाँ ले जा रहे हैं? आपको जाना है बस स्टैंड ही, भैया घर वापस आ गए 48 घंटे बाद। तो चलते हैं सोते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच। सब सो रहे होंगे भैया, चार्ली तो जग रहा होगा। चलो उसी से ही मिल लें।